अधिक ब्याज वसूलने ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठने वाले गिरोह को क्राइम ब्रांच द्वारा मुंबई से किया गिरफ्तार। आरोपी फर्जी लोन ऐप के माध्यम से लोन देकर 40% ब्याज से करते थे पैसा वसूल। आरोपी गण ऑनलाइन ऐप के माध्यम से फरियादी की फोटो को एडिट कर गंदी गंदी फोटो तैयार कर फरियादी के परिजनों व कॉन्टेक्ट लिस्ट लोगों को भेजते थे तथा फरियादी के दस्तावेजों को भेजकर उनको बताते थे कि उनके द्वारा फरियादी का अपहरण कर लिया गया है और हत्या की धमकी देकर पैसे की मांग करते थे और आरोपी द्वारा मोबाइल का डाटा चुराते थे तथा फोटो को एडिट करके गंदे मैसेज व परिवार को गंदी फोटो बनाकर फरियादी के रिश्तेदारों व परिजनों को भेजने की धमकी देते थे और पैसे की मांग करते थे। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच के पास कुछ दिन पहले एक ये शिकायत आई थी जिसमें एक फरियादी ने बताया था कि एक ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से उसने कुछ लोन लिया था और जिसके रीपेमेंट में उसने काफ़ी बड़ा अमाउंट पेमेंट करने के बाद भी उसको बार बार अलग अलग नंबरों से धमकियां आ रही हैं, उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी फ़ोटो उसको मॉर्फ किया जा रहा है। इस संबंध में एक क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हमारी टीम ने इसमें मुंबई से 3 आरोपियों को पकड़ा है। वहाँ पर मुंबई पहुँचने के बाद ये एक सिस्टम हम लोग को समझ में आया कि इस तरह के लोन ऐप्स के पीछे 2 तरह के सिस्टम काम कर रहे होते हैं। एक तो जो अकाउंट्स होते हैं जिनमें पैसे जाते हैं वो एक सिस्टम अलग है, वो एक अलग रिजीम है। दूसरा सिस्टम होता है जो फ़ोन कॉल्स के माध्यम से लोगों को परेशान करते हैं और उनसे वसूली करवाते हैं। इस मामले में जो फिलहाल अपने पास 3 आरोपी पकड़े गए हैं, ये 3 नवी मुंबई के हैं। वहाँ पर ये लोग फरियादी को फ़ोन करके परेशान करने के नाम पर जो नंबर प्राप्त हुआ था उसमें गिरफ्तार किए गए हैं।